हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। बुक है हॉर्नबिल और चैप्टर का जो नाम है वो है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ठीक है, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना यूजर नेम आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप इसको सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस चैप्टर को। तो द लेसन द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल फोकस इज ऑन द डिटेरियोरेटिंग हेल्थ ऑफ अर्थ। यानी कि आज का जो हमारा ये चैप्टर है ये किसी एक चीज पे फोकस करने वाला है, और वो चीज ये है कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, उसकी जो हेल्थ है वो किस तरीके से बिगड़ती जा रही है, डे बाय डे वॉर्स होती जा रही है। ठीक है, ये जो वर्ड लिखा है ना यहाँ पे डिटेरियोरेटिंग, इसका मतलब यही होता है कि डे बाय डे या धीरे धीरे कोई चीज का बिगड़ना। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है वो धीरे 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 उसकी जो हेल्थ है वो बिगड़ती जा रही है। बिकॉज ऑफ ऑल जो मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स ग्रोइंग लस्ट टू एक्सप्लॉइट ऑल इट्स नेचुरल रिसोर्सेस। जो आज के टाइम पे जो लोग हैं वो अर्थ के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको एक्सप्लॉइट कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और उनकी जो लस्ट है वो अभी तक भी रुक नहीं रही है। डेली आप सुनते हो कहाँ इतने फॉरेस्ट कट गए, कहाँ उतने फॉरेस्ट कट गए। जितने अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो धीरे धीरे ह्यूमन जो है वो एक्सप्लॉइट करता जा रहा है। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रीन मूवमेंट। अब ये क्या है आइए देखते हैं। द ग्रीन मूवमेंट started nearly 35 years ago in 1972. Okay, since then it has captured the imagination of millions. यानी कि काफी लोगों को ये पसंद आई, ये जो ग्रीन मूवमेंट थी। ठीक है, काफी लोगों ने मतलब इसको मतलब अपने लिए काफी अच्छा समझा। द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। ठीक है, जो दुनिया की सबसे पहली जो आप कह सकते हो जो ग्रीन पार्टी थी वो न्यूजीलैंड में ही मिली। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यू होलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ग्रीन मूवमेंट हैज चेंज्ड अवर कॉन्सेप्ट्स। यानी कि जो ये ग्रीन मूवमेंट थी इसने क्या किया, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं चेंज किया। दिस शिफ्ट इज वेरी पॉजिटिव। और ये जो थोड़ा चेंज हुआ था ये काफी अच्छा था। ठीक है, ये होना भी चाहिए था। नाउ वी हैव अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज के टाइम पे हमारे पास एक होलिस्टिक व्यू है। ठीक है, हमारा इस संसार को देखने का अपना एक दृष्टिकोण है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि अब हम ये सब समझने लगे हैं कि भाई हम सब जागरूक हो गए हैं कि ये जो अर्थ है, हमारा प्लेनेट है, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर आज हम इसकी केयर नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे जो हमारे बच्चे होंगे या जो आने वाली जनरेशन होंगी उनको सफर करना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा। इन 1987 द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट डिफाइंड व्हाट इज मीन्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड कमीशन है जो एनवायरमेंट और डेवलपमेंट की, उन्होंने डिफाइन किया कि आखिर ये क्या है। इट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट दैट फुलफिल्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। यानी कि आप यानी कि हम लोग जो हैं ह्यूमंस, अगर अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं आज के टाइम की, तो हम इस तरीके से जरूरतों को पूरा करें कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो फ्यूचर में हमारे जो जनरेशंस आएंगी उनको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। आगे देखते हैं। मैन शेयर्स द अर्थ विद 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज। यानी कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो लगभग हम 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज के साथ रहते हैं इस दुनिया में। हम अकेले सिर्फ ह्यूमंस नहीं रहते यहाँ पे। ठीक है, दिस अर्थ हैज बिकम अ स्कॉर्च्ड प्लेनेट। ठीक है, यानी कि ये जो मतलब अभी ये जो अर्थ है हमारा, इसकी हालत धीरे 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 खराब होती जा रही है। और ये हालत खराब कौन कर रहा है, इंसान ही कर रहा है, ह्यूमंस ही कर रहे हैं। Deserts are advancing, landscapes and the environment have been degraded. यानी कि जो deserts हैं, ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा deserts हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और जो मतलब landscape हुआ करते थे, जो नजारे हम देखा करते थे कुछ time पहले, जो environment होता था वो धीरे 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 वो खत्म होता जा रहा है। ठीक है, next topic है अर्थ मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। यानी कि हमारे पास जो ये अर्थ है इसके मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स कौन से हैं। सबसे पहला है फिशरीज। ठीक है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। फिशरीज की फोटो आप बैकग्राउंड में देख सकते हो।
क्रॉपलैंड्स की फोटो आप देख सकते हो, ग्रासलैंड की फोटोज आप देख सकते हो। ये जो चार चीजें हैं, ठीक है, ये जो दो तीन चार चीजें हैं जो मतलब फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, इन्हीं से ही हमारा ये जो अर्थ है ये टिका हुआ है। अगर ये चार चीजें हम हटा दें तो हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो पूरा बिगड़ जाएगा एक तरीके से, ठीक है। और यही चार चीजें आज के इस टाइम पे मोस्टली अफेक्ट हुई हैं। दे आर द बेसिस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। अगर हम पूरी दुनिया में बात करें, दुनिया की इकोनॉमी की, अगर ये चार चीजें हम हटा दें, क्रॉप्स नहीं होंगी तो लोग खाएंगे क्या, ग्रासलैंड्स, ठीक है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से कितने सारे हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, फिशरीज, ठीक है। अगर ये चीजें हम हटा दें तो हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पूरा हिल जाएगा। बट दीज बेसिक सिस्टम्स आर बींग थ्रेटेंड। लेकिन आज के टाइम पे ये जो मैंने आपको बायोलॉजिकल सिस्टम्स बताए हैं ये कहीं ना कहीं भाई खतरे में है, ठीक है। और ये मतलब बहुत ज्यादा आप ये समझ सकते हो कि ये धीरे 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 इनका जो है नाश होता जा रहा है। आगे देखें, दे आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो है एक अनसस्टेनेबल लेवल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि इंसान इन सब का जो यूज है वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये धीरे धीरे चीजें जो है कहीं ना कहीं मतलब खत्म हो जाएंगी एक दिन अगर ऐसा ही चलता रहा। प्रोडक्शन हैज फॉलन, ठीक है, प्रोडक्शन जो हुआ करता था वो कहीं ना कहीं अब गिरने लगा है। फिशरीज हैव बीन रुइंड, ठीक है, जो फिशरीज हैं वो कहीं ना कहीं मतलब बर्बाद हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, भाई ये तो हम सभी को पता है कि जो फॉरेस्ट हैं उनको ह्यूमन ही काट रहे हैं, ठीक है। ग्रासलैंड्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू वेस्टलैंड्स, जो ग्रासलैंड्स हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं अब वेस्टलैंड्स में बदलते जा रहे हैं। क्रॉपलैंड्स आर नॉट इन गुड शेप, जो हमारे क्रॉपलैंड्स हैं, ठीक है, वो भी अच्छी शेप में नहीं है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं, जो हमारे पावर हाउस होते हैं भाई, अगर हमें अपना डेवलपमेंट करना है तो उसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है, वो हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज देते हैं। लेकिन आज के टाइम पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। बट दीज फेस एक्सटिंक्शन ऑल्सो, ये भी खतरे में है, ठीक है। अब क्या होगा आगे देखते हैं। फॉरेस्ट प्रिसीड मैनकाइंड, यानी कि जंगल जो है हमारे वो हमारे से पहले हैं। हम जंगल जो है मतलब जंगल हमारे बाद नहीं आए हैं, हम जब इस दुनिया में आए थे इससे पहले जंगल है यहाँ पे, ठीक है। और हम इनको किस हक से काटते हैं भाई, आइए देखते हैं। फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो देम, यानी कि अगर हम बात करें तो भाई सबसे पहले जो फॉरेस्ट हैं वो आए हैं, उनके बाद ही इंसान आते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे डेजर्ट्स आते हैं। 50 मिलियन एकर्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर डिसअपेयरिंग एवरी ईयर। ये एक डाटा है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसमें बताया है भाई लगभग हर साल 50 मिलियन एकड़ जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उनको काट दिया जाता है, वो डिसअपियर हो रहे हैं। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट अ 5-फोल्ड इंक्रीज इन फॉरेस्ट प्लांटेशन इज नीडेड, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने भी बताया भाई कि हमें पेड़ मतलब लगाने की और ये फॉरेस्ट प्लांटेशन वगैरह की बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो फ्यूल वुड है, ठीक है, आप फ्यूल वुड अगर समझते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मतलब जो फ्यूल वुड है उसके लिए, जिसको हम ईंधन भी कहते हैं आपको अगर पता हो, तो उसके लिए हमें फॉरेस्ट चाहिए, और ये डिमांड बढ़ेगी आने वाले टाइम पे। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो फ्यूल वुड कहाँ से लाएंगे। आगे देखते हैं, एक्चुअली वी आर लूजिंग फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ एन एकड़ एंड अ हाफ एवरी सेकेंड। हम अपने इन फॉरेस्ट को किस दर से खो रहे हैं, एन एकड़ एंड अ हाफ एवरी सेकेंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट रिपोर्ट इंडिया इज लूजिंग 3.7 मिलियन एकर्स ऑफ फॉरेस्ट एवरी ईयर, ठीक है। आप समझ रहे हो कितने ज्यादा फॉरेस्ट हर रोज आप मतलब आप मैंने आपको डेली का भी एक एस्टिमेट बताया। अब अगर हम ईयर की बात करें तो इंडिया के अंदर 3.7 मिलियन एकर्स फॉरेस्ट डिसअपियर होते हैं। द एक्चुअल लॉस इज मच हायर। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट का डाटा है, आप सभी को पता है गवर्नमेंट का डाटा और असलियत में फर्क होता है। असलियत में और ज्यादा जो है फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन, यानी कि एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इंप्रूव्स, फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, ठीक है। एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ती है हेल्थ भी इंप्रूव होती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फर्टिलिटी होती है, ठीक है, जो उपजाऊपन होता है वो कहीं ना कहीं गिरता है जब हमारे पास पैसा होता है ज्यादा। बट डेवलपमेंट फेल्स इफ द पॉपुलेशन ग्रोज, ठीक है। लेकिन जो हमारा एक डेवलपमेंट का जो मतलब रास्ता होता है वो कहीं ना कहीं खराब होगा अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है। पॉपुलेशन
बढ़ेगी तो बच्चे ज्यादा होंगे, और बच्चे ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी, अगर लोग ज्यादा हैं पॉपुलेशन में तो इसका ये मतलब नहीं है कि ज्यादा वर्कर होंगे, बट इट मीन्स मोर पीपल विदाउट वर्क। इसका मतलब है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग हैं जो कुछ काम नहीं कर सकते, यानी कि आप ये समझ लो किसी देश की जनसंख्या में पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा होंगे तो वो क्या होंगे, कहीं ना कहीं बोझ होंगे, ठीक है, वो क्योंकि कमाएंगे नहीं, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, और वो कहीं ना कहीं मतलब विदाउट वर्क वाले एक पीपल हैं। सो पॉवर्टी कंटिन्यूज, इसीलिए जो गरीबी बढ़ती है, हमारे देश में भी गरीबी है, तो सबसे बड़े कारण जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज है, पॉपुलेशन ग्रोथ है। आगे देखते हैं, सैटेलाइट्स एंड एरियल सर्वेज कंडक्टेड बाय द यूएनओ वार्न दैट द एनवायरमेंट हैज डिटेरियरेटेड सो बैडली दैट इट कैन बी टर्म्ड एज क्रिटिकल। जो अब यूएनओ ने कुछ सैटेलाइट छोड़ रखी हैं भाई ऊपर, एरियल सर्वेज होते हैं हवा के ऊपर, ठीक है, हवा से जो मतलब जो सर्वे वगैरह करते हैं, इमेजिंग होती है, उसमें बताया गया है कि जो हमारा एनवायरमेंट है ना वो इतनी बुरी तरीके से नष्ट हो चुका है, इतनी बुरी तरीके से मतलब ये धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, वॉस्ट इसकी कंडीशन होती जा रही है, इसको क्रिटिकल कहा गया है। द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज द मेन कॉज ऑफ दिस, और सबसे बड़ा कारण है अगर इसका प्लेनेट अर्थ का एक्सप्लोइटेशन जो हो रहा है वो है मेन कारण इसका, है वर्ल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ, ठीक है। 20th सेंचुरी हैज एडिड अबाउट 3.7 बिलियंस, और ये जो 20th सेंचुरी है इसमें लगभग 3.7 बिलियंस का जन्म हुआ है। अब आगे देखते हैं, द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एज 5.7 बिलियन, इट इज अकॉर्डिंग टू योर एनसीआरटी, बट हेयर मैंने आपके लिए 7.9 बिलियन, जो कि लेटेस्ट डाटा है 2021 में अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो लगभग लगभग 7.9 बिलियन है, ठीक है। और आपको अपने बुक का आंसर लिखना है, लेकिन आप ब्रैकेट जो मतलब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ब्रैकेट में 7.9 बिलियन इन 2021 भी लिख सकते हो। इन एवरी 4 डेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 1 मिलियन, हर 4 दिन में जो दुनिया की पॉपुलेशन है उसमें 1 मिलियन लोग बढ़ते हैं। द चॉइस इज क्लियर, इधर कंट्रोल पॉपुलेशन और परपेचुएट पॉवर्टी, आपके पास भाई चॉइस यही है, या तो कंट्रोल कर लो पॉपुलेशन को या फिर गरीबी बढ़ती जाएगी, गरीबी को बढ़ाओ। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है, वी आर टेनेंट्स, यानी कि हम किराएदार हैं, किसके किराएदार हैं, मार्गरेट थैचर हैज समड अप बाय डिक्लेयरिंग दैट, यहाँ पे इन्होंने एक लाइन बोली है, नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ वी ऑल हैव इज अ लाइफ टेनेसी, यानी कि इन्होंने बताया है कि हमारा कोई हक नहीं है भाई इस दुनिया पे, ठीक है, ये जो अर्थ है ये हमारे कोई दादा का या परदादा का नहीं है, ये हमने कहीं ना कहीं मतलब इस पे हम एक किराएदार की तरह रहते हैं, ठीक है, हमारा इस पे कोई मालिकाना हक नहीं है। यहाँ पे लेस्टर ब्राउन ने एक लाइन बोली है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम अवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रन, यानी कि हमने अपने फोर फादर्स से नहीं लिया ये अर्थ, ये हमने अपने आने वाली जनरेशन यानी कि चिल्ड्रन से बोरो किया है, और हमें उनको इसको लौटाना भी है वापिस, ठीक है। तो अगर आज इसको हम एक्सप्लोइट करते हैं तो उनको कुछ भी नहीं दे पाएंगे हम। इट इज नॉट ओनली द क्वेश्चन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस बट ऑल्सो ऑफ द प्लेनेट अर्थ, और ये बिल्कुल मतलब ये समझ लो कि भाई ह्यूमन रेस के ऊपर तो ये होगा ही होगा, मुसीबत आएंगी, साथ ही साथ ये जो प्लेनेट अर्थ है ये इसी तरीके से बिगड़ता जाएगा, खराब होता जाएगा अगर हम जागरूक नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, और कमेंट में आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।